नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। वक्त है जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपना ब्लॉग चैनल बनाया है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं मानिकपुर से, जहां फर्जी भुगतान के कागजात पर दस्तखत से इनकार करना वरिष्ठ लिपिक को महंगा पड़ गया। मानिकपुर चेयरमैन ने अपने गुर्गों संग बड़े बाबू को बंधक बनाकर जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटा। जान बचाकर थाने पहुंचे वरिष्ठ लिपिक की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बड़े बाबू की पिटाई से अधिशासी अधिकारी समेत कर्मचारियों में आक्रोश है। नगर पंचायत मानिकपुर अध्यक्ष अबू जैद गुड्डू ने आज सुबह नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक आत्मानंद गुप्ता को नगर पंचायत कार्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित अपने निजी स्कूल में बुलाया, जहां ईओ मानिकपुर सुनील रघुवंशी पहले से मौजूद थे। बड़े बाबू आत्माराम गुप्ता जब वहां पहुंचे तो भ्रष्ट चेयरमैन ने फर्जी भुगतान के लिए जबरन कागज पर दस्तखत करने का दबाव बनाया, लेकिन बड़े बाबू ने इससे इनकार कर दिया, जिससे भन्नाए मानिकपुर चेयरमैन ने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने गुर्गों संग उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद अधिशासी अधिकारी असहाय होकर सारा घटनाक्रम देखते रहे। किसी तरह जान बचाकर लिपिक आत्मानंद मानिकपुर थाने पहुंचे और आप बीती सुनाई। मानिकपुर पुलिस ने तत्काल बड़े बाबू को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाकाकर भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्रतापगढ़ रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत कर्मी कार्यालय में एकत्रित हो गए और मुख्य गेट पर ताला लगाकर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित कर्मचारियों ने ऐलान किया कि जब तक चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। मानिकपुर चेयरमैन का ये कोई नया कारनामा नहीं है। सूत्रों की माने तो कुंडा के शाहपुर गांव निवासी अबू जैद गुड्डू धन बल के दम पर मानिकपुर का चेयरमैन बन बैठा। नगर पंचायत की कुर्सी मिलते ही इसने भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख डाली। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सड़क और नाली में जमकर लूट मचाई और इन्हीं पैसों से चौराही में करोड़ों की लागत से एक स्कूल का निर्माण भी कराया, जहां आज बड़े बाबू के साथ मारपीट की गई। बहरहाल पुलिस ने आत्मानंद की तहरीर पर अबू जैद गुड्डू, इलियास और कामरान सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी चेयरमैन अपने गुर्गों संग फरार है। अगली खबर नगर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां लोहे की ग्रिल काटकर चोरों ने घर में सो रहे शिक्षक और उनके कुत्ते पर दवा स्प्रे कर बेहोश कर दिया। चोर दो अलमारी और बक्से तोड़कर 75,000 रुपए नगद और करीब 16 लाख के जेवर समेट ले गए। सुबह जानकारी मिलने पर शहर कोतवाल के साथ सीओ सिटी, एएसपी पूर्वी और फील्ड यूनिट के लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जांच की। नगर कोतवाली के डिहवा भूपिया मऊ निवासी जिशलेंद्र प्रताप सिंह मॉडल प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक हैं। 2 सप्ताह पूर्व उनकी पत्नी बच्चों के साथ मायके जौनपुर चली गई। जिशलेंद्र गुरुवार रात कमरे में सो रहे थे, पालतू कुत्ता भी घर में ही मौजूद था। छत और सीढ़ी की ग्रिल काट कर घर में घुसे चोरों ने जिशलेंद्र और उनके कुत्ते पर बेहोशी का केमिकल स्प्रे कर दिया। दोनों के बेहोश होने के बाद चोरों ने बड़े इत्मीनान से दो अलमारी और बक्से को तोड़कर उसमें रखे 75,000 रुपए और करीब 16 लाख रुपए का जेवर समेट लिया और फरार हो गए। चोरों ने जाते समय जिशलेंद्र के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जिशलेंद्र को सुबह जब होश आया तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलवाकर दरवाजा खुलवाया। सूचना पर शहर कोतवाल रविंद्रनाथ राय, सीओ सिटी अभय पांडे, एएसपी पूर्वी सुरेंद्र प्रताप सिंह फील्ड यूनिट के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। फील्ड यूनिट के लोगों ने चोरों के फिंगरप्रिंट एकत्रित किए हैं। चोरी की इस वारदात के बाद से आसपास के लोग भयभीत हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस जल्द खुलासे की बात कर रही है। अगली खबर रानीगंज थाना क्षेत्र से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर पंचायत के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को रानीगंज अस्पताल लाया गया, जहां से एक पक्ष के 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। रानीगंज थाना क्षेत्र के भैसोना निवासी मोहम्मद अब्बास और फारूक के बीच जमीन का विवाद चला आ रहा है। उसी विवाद को लेकर आज दोनों पक्षों के बीच पंचायत हो रही थी। पंचायत के दौरान बात बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी डंडा और फरसा चलने लगा, जिसमें एक पक्ष से अब्बास, रफातुल निसा, जहां आरा, साहिदा बानो व दूसरे पक्ष से हाजरा बेगम और सहरोज बानो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को रानीगंज अस्पताल लाया गया, जहां से एक पक्ष से अब्बास, साहिदा बानो और रफातुल की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। वहीं अब्बास पक्ष के लोगों का आरोप है कि विपक्षी लोगों ने उनके घर पर चढ़कर फायरिंग की। पुलिस फायरिंग की घटना से इनकार कर रही है। अगली खबर कन्हई थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित 2 बदमाशों को अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। कन्हई थाना क्षेत्र के बोझी मोड़ के पास पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के सामान के साथ बदमाश उधर से गुजरने वाले हैं। पुलिस ने देरी न करते हुए
जाल बिछाया और दो बदमाशों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों युवक कंधई थाना क्षेत्र के प्रीतम सराय कोनी गांव के विपुल गौतम पुत्र गंगा शरण और राम यश उर्फ बिल्डर पुत्र मुन्ने लाल है। पुलिस ने दोनों के पास से 315 बोर के दो तमंचे, कारतूस, एक लोहे का ज्वाइंटर और 11 लीटर मोबिल ऑयल बरामद किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। अगली खबर उदयपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उदयपुर थाना क्षेत्र के कुसौली कोल्ड स्टोरेज के पास से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शिवम सिंह पुत्र राजकुमार सिंह को एक तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का उदयपुर थाने में आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने आरोपी शिवम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।